हाय गाइस, मेरा नाम रोहित शर्मा है। 2016 के अंदर सीबीआई एपीपी की लास्ट नोटिफिकेशन आई थी पीपी और एपीपी के साथ में, और अब आई है 2017 एग्जाम हुआ था 2017 नवंबर में। अब आई है पीपी की नोटिफिकेशन, मार्च 18 मार्च को इसकी नोटिफिकेशन की भरने की डेट खत्म हो गई है। तो ये एग्जाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है 5 महीने में हो सकता है 8 महीने में हो सकता है ये 12 महीने के अंदर हो। परंतु कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए जरूरत ये होती है कि हम उसकी तैयारी पहले से करके रखें। एग्जाम नोटिफिकेशन आएगी उसके 40 to 35 days के बाद एग्जाम हो जाएगा, तो काइंडली बी रेडी फॉर इट, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। कुछ डाउट्स हैं, कुछ शंकाएं हैं, उसके लिए ये वीडियो बना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एफएक्यू दैट आई रिसीव। व्हाट इज द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन? द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन इज मॉडरेट टू हाई। ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं जैसे यूजीसी में क्वेश्चन आते हैं जो नेट क्लियर कर चुके होते हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जैसे यूपीएससी प्री में आते थे जब लॉ जब ऑप्शनल से प्री बनता था 2010 तक। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो पुराने क्वेश्चन पेपर्स आप देख सकते हैं आईएएस प्री लॉ के, उस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी डालता है। बॉडी की जो कंडक्टिंग पावर है और कंडक्टिंग स्मूथनेस है उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं है, कोई गलत क्वेश्चन इनका पिछले एग्जाम में नहीं था क्योंकि मैंने वो एग्जाम खुद दिया था। सेकेंड बात करते हैं कि पेपर ऑथेंटिसिटी क्या है, तो इस पर मैंने डिस्कस कर लिया कि यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, गलतियां नहीं होंगी, आपकी तैयारी फुल प्रूफ होनी चाहिए। छोटे से छोटे माइनर सेक्शन से लेके बड़े से बड़े सेक्शन को पूरा डायसेक्ट आपने किया होना चाहिए अपनी इन 4 to 5 months की प्रिपरेशन में। इसके बाद हम चलते हैं व्हाट टू एक्सपेक्ट। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ कंपटीशन, यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ नंबर पीपल वाइंग फॉर द पोस्ट। आप लोग ये देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इस एग्जाम को देंगे। लास्ट ईयर आई गेस 10 से 12 हज़ार लोगों ने ये पोस्ट दिया था 9 पोस्ट के लिए, इस बार पोस्ट शायद थोड़ी ज़्यादा है, तो और कंपटीशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2020 में कोई पोस्ट नहीं आई है तो और एक्सपेक्टेशन आपकी हो सकती है कंपटीशन की। अब आते हैं बात कि कैसे हम इसे क्लियर कर सकते हैं। एक तो इसमें रेगुलर बेयर एक्ट्स का आपको लर्न होना बहुत जरूरी है क्योंकि बेयर एक्ट से 60 to 70% क्वेश्चन थे पिछली बार। केस लॉ से क्वेश्चन थे थोड़े कम, जैसे कि वो अपना आर्टिकल 18 से रिलेटेड केस लॉ पे क्वेश्चन था, फिर कोई क्वेश्चन था रिमोट सेक्शन सीआरपीसी में से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने के लिए आपको ना केवल इंपॉर्टेंट केस लॉज की बल्कि बेयर एक्ट्स की जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब 7th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि मैं कैसे स्ट्रक्चर तरीके से कर सकता हूँ। 1 अप्रैल से मैं क्लासेस लूंगा हमारे एसोसिएट चैनल लॉकेडा अकेडमी चैनल पे, जहां पर हम रेगुलर क्लासेस लेंगे और रेगुलर कुछ फ्री एमसीक्यूज मैं डेली दूंगा। आप लोग उन एमसीक्यूज को कर सकते हैं और उन एमसीक्यूज के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को भी एक अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं। इसके साथ साथ वहां पर जो एमसीक्यू होंगे वो जैसे विजिलेंस एक्ट, डीपीएसपी एक्ट, आईटी एक्ट, इनसे होंगे जो नॉर्मली कहीं मिलते नहीं है, तो बट वी विल मेक इट एंड विल मेक श्योर दैट योर प्रिपरेशन अच्छे से जाए, बहुत अच्छे से हो, इट्स डन इन अ वेल कैलकुलेटेड मैनर। 3 से 4 महीने का वो उन वीडियोस के लोड होने का टाइम होगा, 4 महीने तक वो पूरी अपलोड हो जाएंगी। कोशिश ये रहेगी कि रोज अपलोड हो, परंतु एक दिन के अंतराल के बाद तो वीडियो अपलोड हो ही जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं कि अगर आप में से कुछ चाहते हैं कि मैं और प्रैक्टिस करना चाहता हूं, मैं इसी को अपना लक्ष्य देके जाना चाहता हूं, इसी पे फोकस करना चाहता हूं, तो उनके लिए स्मार्ट केडा लाएगी टेस्ट सीरीज जो कि आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मैं 1 अप्रैल के बाद इस डिस्क्रिप्शन लिंक को इसी वीडियो के अपडेट करूंगा, आप उस टेस्ट सीरीज पर जाके क्लिक कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड होगा, सेक्शनल टेस्ट होंगे, आपके वीकली टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होंगे, एंड देन यू कैन वेरी वेल प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन विच इज अ प्रेस्टिजियस वन। सीबीआई एपीपी करने के बाद ना केवल आप ऊपर जा सकते हैं बल्कि आप डिफरेंट एजेंसीज के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज सीबीआई एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपकी कुछ और क्वेरीज हैं तो आप यूट्यूब कमेंट्स पे लिखें। पीपी का एग्जाम और एपीपी का एग्जाम मेरे हिसाब से अलग नहीं था, सेम क्वेश्चंस थे एपीपी को भी और पीपी को भी, तो जो लोग पीपी दे रहे हैं वो भी दे सकते हैं। अगर किसी के पास इसके अलावा जानकारी है कि नहीं पीपी के क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट थे एपीपी से, तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं कोशिश करूंगा फिर कि मैं पीपी के लिए भी एक अलग टेस्ट सीरीज निकालूं। अदरवाइज वी विल गो फॉर द एपीपी एंड पीपी सीरीज इन अ 1 टेस्ट सीरीज। थैंक यू वेरी मच, दिस इज रोहित शर्मा, नेशनल लीगल हेड ऑफ smartcare.com। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज कमेंट करें और अपने क्वेश्चंस अगर कुछ हैं तो पूछें, नहीं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं। थैंक यू वेरी मच, बी रेडी फॉर द वीडियो सीरीज एज वेल एज द टेस्ट सीरीज।